हेलो फ्रेंड्स, सॉरी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आज आपको विशेषण और विशेष्य बताऊंगी। इसके पहले भी मैंने विशेषण और विशेष्य की परिभाषा तो बता दिया है, उसके प्रकार भी बताए हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिटेल में नहीं बताया है। डिटेल में बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहूंगी। आप लोगों को लगता है कि ये सौर्य कौन है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगी कि सौर्य मेरे बेटे का नाम है जो 2.5 साल का है, और उसी के नाम पे मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। आप लोगों के मन में एक और जागरूकता है कि मतलब मैं क्या कोचिंग चलाती हूँ? जी नहीं, मैं कोई कोचिंग नहीं चलाती हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो मेरा काम बस यही है, अपने कॉलेज तक ही सीमित है, बाकी मैं कोई भी कोचिंग नहीं चलाती हूँ। मैंने आपके हेल्प के लिए ये चैनल स्टार्ट किया है। और एक और बात, क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देख करके, मेरे इस वीडियो को देख करके उन्हें फ़ायदा हो और उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अफसोस ना हो कि मैंने RO AR O का हिंदी क्लास तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो आइए देख लेते हैं आज का अपना ये टॉपिक जो है विशेषण और विशेष्य से संबंधित। विशेषण की परिभाषा मैंने बताया है, विशेष्य की परिभाषा भी बताया है, और साथ ही ये भी बताया है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। मैंने बताया है कि विशेषण के मुख्य रूप से चार चार प्रकार होते हैं, और सामान्य रूप से बात करें तो 5 प्रकार होते हैं, जिसमें कि है आपका ये गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण। इसमें से पहला वाला जो विशेषण है गुणवाचक विशेषण, इसको मैंने डिटेल में बता दिया है, तो आज के इस वीडियो में मैं जो बचा हुआ है उसको बताऊंगी, लेकिन पांचों को मैं एक बार में नहीं बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी तो जब एग्जामिनेशन टाइम डिटेल में पूछ देगा तो आप बता नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पूछेगा कि संख्यावाचक विशेषण क्या है या गुणवाचक विशेषण क्या है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो बिल्कुल विस्तृत, इतना डिटेल में फंसा देगा, पूरा गहराई से क्वेश्चन करेगा कि आपको ये लगेगा कि हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं है, मैडम ने तो सिर्फ बताया था 5 है लेकिन ये इतने ढेर सारे कहां से आ गए। तो इसलिए मैं जो इन चारों पांचों के जो पार्ट हैं उन सभी को बताना चाहूंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि गुणवाचक विशेषण आपका प्रथम प्रकार था और दूसरा आपका यह है प्रकार आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, संख्यावाचक यानी कि संख्या से संबंधित। तो जो विशेषण या जिस विशेषण में या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या तो मैंने बता ही दिया है, तो संज्ञा की संख्या का बोध होता हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो जिस विशेषण में व्यक्ति या वस्तु से संबंधित संख्या का बोध हो वो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि एक कुर्सी, संख्याएं तो जानते ही हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी संख्या है। तो इसमें जैसे एक कुर्सी, 4 मेज, 10 रुपए, कुछ पैसे, सब लोग, तो आपका ये है संख्यावाचक विशेषण। एक कुर्सी, समझ में आ रहा है कि एक कुर्सी या 4 मेज, 4 मेज होता है, 10 रुपए, कुछ पैसे। अब कुछ पैसे में हम लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कुछ पैसे कितने की बात कर रहा है, कुछ कितने, बहुत ज्यादा कि बहुत कम, 1 2 है या 4 5 है, क्या कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है। उसी तरीके से सब लोग में भी लग तो रहा है कि लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं ये कंफ्यूजन है, ज्यादा है कि कम है नहीं बता सकते। इसलिए क्या ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी प्रकार हैं। संख्यावाचक विशेषण तो जान लिया हम लोगों ने कि जो जिन शब्दों द्वारा या जिसमें संख्याओं का बोध हो वो आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो संख्यावाचक विशेषण आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी कि जिसमें संख्याएं निश्चित हो, तो परिभाषा दे और इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है इसकी क्या परिभाषा है, जिन विशेषण शब्दों से
जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, ये आपकी संज्ञा है, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या, क्योंकि ये आपका निश्चित संख्यावाचक है, तो जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का बोध हो, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक हाथी, एक हाथी में आपकी संख्या कितनी है? निश्चित है, यानी कि एक ही हाथी है। 25 रुपए, 25 रुपए भी पता चल रहा है कि 25 रुपए, 20 और 5 मिलाकर 25, यानी कि संख्या पता है कि 25 रुपए और ये एक हाथी। उसी तरीके से अगर आ जाए 10 बच्चे, या संख्या से रिलेटेड हो, जिसको आप जानते हैं, संख्या दी हुई हो, तो वो आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दूसरा आपका इसका पार्ट होता है अनिश्चित। लेकिन अनिश्चित को जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी प्रकार हैं, और वो कौन कौन से प्रकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका है गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येकवाचक विशेषण, समुच्चयवाचक विशेषण। ये आपका जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके प्रकार हैं, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुल मिलाकर लगभग 6 प्रकार हैं, जिसमें कि नंबर एक है आपका गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण यानी कि गिनती से संबंधित, 1, 2, 3, 4 इत्यादि को लें तो ये आपका गणनावाचक है, या गणना से संबंधित विशेषण है। गणनावाचक विशेषण भी आपका लगभग में 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है प्रकार पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। पूर्ण संख्या बोधक विशेषण यानी कि जिसमें संख्याएं जो हो पूर्ण हो, जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 100, 1,000, 1,00,000 इत्यादि आपकी संख्याएं पूर्ण हैं, अपने आप में संपूर्ण हैं, इसलिए इसको कहा गया है पूर्ण संख्या बोधक विशेषण। यानी कि गणनावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्ण संख्या बोधक और दूसरा आपका है अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण संख्या बोधक जिसमें कि संख्याएं अपने आप में संपूर्ण हो या पूर्ण हो, जैसे कि 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 भी पूर्ण है, 400, 1,000, 1,00,000 ये सब पूर्ण है। और अपूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण वह होता है जिसमें कि संख्याएं अपूर्ण हो, जैसे कि आपका पाव, पाव जो है वो आपका पाव कंप्लीट नहीं है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव, 4 पाव, अगर जब 4 पाव मिल जाएगा तब तो 1 किलो बनेगा, तो आपका पाव, आध, पौन, सवा दो, ढाई, डेढ़ इत्यादि, ये सब जो आपका है ये अपूर्ण है, यानी कि इसको पूर्ण करने के लिए इसमें कुछ और जोड़ा जाएगा तभी ये पूर्ण होगा, इसीलिए इसको अपूर्ण संख्या बोधक या अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि गणना, जो गणना वाचक विशेषण है, इसके 2 प्रकार हो गए, एक पूर्ण संख्या बोधक जिसमें कि संख्याएं अपने आप में संपूर्ण हो या पूर्ण हो, और दूसरा आपका है अपूर्ण संख्या बोधक यानी कि जो आपकी संख्याएं अपूर्ण हो, यानी कि इससे रिलेटेड अगर वाक्य में प्रयोग मिले या ऐसे शब्द मिले तो आप ये समझ जाएंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण का जो है ये क्या है, गणनावाचक जो प्रकार है उसका भाग है, और उसमें भी आप ये ऑप्शन देगा पूर्ण संख्या बोधक है कि अपूर्ण है, तो आप आसानी से बता लेंगे। दूसरा आपका प्रकार है गणनावाचक के बाद, दूसरा प्रकार है आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है कि क्रम के अनुसार गणना का बोध होता है, यानी कि जहाँ क्रम के अनुसार गणना का बोध हो वहाँ पे क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे कि क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 100वां ऐसे, या चतुर्थ श्रेणी, पांचवी मंजिल, इसमें आपका क्या है, यानी कि पांचवी मंजिल है तो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, या चतुर्थ श्रेणी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका क्या है, क्रमवार है या क्रमवाचक विशेषण है, यानी कि क्रम के अनुसार जहाँ गणना का बोध हो वहाँ पर क्रमवाचक विशेषण होता है। क्रम तो आप समझ ही गए हैं कि 1, 2, 3, 4, या ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
यह आपका क्रम है। तो क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है कि क्रम का बोध होता है। आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात दर्शाया गया हो। जहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक अनुपात दिखाया गया हो या दर्शाया गया हो, वहाँ पे आपका ये आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे कि दूना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, दसगुना, लाख गुना इत्यादि। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पानी में या दूध में, दूध से दोगुना तो पानी मिला दिया गया है। या ये किसी के तेज रफ्तार की बात करें तो वह व्यक्ति जो है साइकिल से भी तेज दौड़ता है। या इस तरीके से यह साइकिल से लाख गुना तेज, दस गुना तेज या दोगुना तेज दौड़ता है। तो जहाँ पे तुलना एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से जहाँ पर तुलना की जा गई हो, वहाँ पे आपका क्या होता है कि ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। यानी कि आवृत्तिवाचक विशेषण में ये शब्द आपको मिलते हैं, दूना उससे दूना या उससे दुगुना तेज है, तिगुना उससे तिगुना ज़्यादा बोलता है, या चौगुना उससे चौगुना सुंदर है, या सौगुना उससे सौगुना विस्तृत है, किसी भी इमारत से सौगुना विस्तृत है, या दस गुना अधिक है, या लाख गुना बेटर है, लाख गुना बहुत अच्छे हैं वो। तो इस तरीके के अगर शब्द मिले तो आप इसको समझ जाइएगा कि ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण का ही उदाहरण है या आवृत्तिवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार, चौथा प्रकार आपका है समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण यानी कि जहाँ समुदाय का बोध हो, यानी कि या जिन शब्दों में समुदाय का बोध हो या जिस विशेषण में समुदाय का बोध हो, वहाँ पर आपका समुदायवाचक जो विशेषण होता है। समुदाय यानी कि समूह, जैसे कि चारों भाई मिलकर के क्या बनाए, एक समुदाय। या पांचों पांडव, नवो लड़के, ये आपका समुदाय वाचक विशेषण है। यानी कि जहाँ समुदाय का बोध हो, वहाँ पर समुदाय वाचक विशेषण होता है। प्रत्येक वाचक विशेषण वह विशेषण होता है जिसमें कि वस्तुओं में से हर एक का बोध हो। यानी कि जहाँ पर अनेक वस्तुओं में से, ढेर सारी वस्तुओं में से हर एक का बोध हो, वहाँ पर आपका ये प्रत्येक वाचक विशेषण होता है। जैसे कि हर एक आदमी एक आपका ढेर सारी वस्तुएं हैं, उसमें से हम बोलना हो तो ये नहीं बोलेंगे कि ये व्यक्ति, नहीं बोलेंगे हर एक व्यक्ति। अगर हर एक व्यक्ति ने सारे उस काम को किया या ढेर सारे व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं, तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति। या जैसे कि प्रत्येक स्थान का नाम देना हो या घूम करके आए तो ये तो बोलेंगे नहीं, अगर विस्तृत टाइम हो तो बोलेंगे कि इस जगह पे गए, उस जगह पे गए, या ये देखे हर जगह पे ये था। तो हम इस तरीके से प्रत्येक स्थान, या प्रत्येक स्थान पर हमने पूजा अर्चना किया, या प्रत्येक देवी देवताओं को मैंने माला वगैरह चढ़ाया इत्यादि, ये सब। तो ये जैसे कि दो दो नेता इत्यादि ऐसे शब्द, यानी कि आपको जहाँ पर ये लगे कि अनेक वस्तुओं में से हर एक जो वस्तु है उसको, उसका बोध कराया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका प्रत्येक वाचक विशेषण होता है। जैसा कि उदाहरण देखा हम लोगों ने, हर एक आदमी, प्रत्येक स्थान, दो दो नेता इत्यादि आपका जो है प्रत्येक वाचक विशेषण का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार होता है समुच्चयवाचक विशेषण। समुच्चयवाचक विशेषण यानी कि जहाँ पर समुच्चय की बात की गई हो, समुच्चय जैसे कि एक 12 केले हैं तो 12 समूह में तो हैं, तो उसको तो ये नहीं बोलेंगे कि 12 केले, उसको हम एक बार में बोल देते हैं कि एक दर्जन केले। या जहाँ पे ये जोड़ा हो, दो हो, तो दो बोलने की अपेक्षा उसको जोड़े में बोला जाता है कि ये जोड़ा, या पेयर में, या 32 है तो 32, 700 है तो 700 इत्यादि शब्द। ये आपका समुच्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। समुच्चयवाचक विशेषण यानी कि जो समुच्चय में हो, यानी कि 12 दर्जन
707 सही, 2 है तो दर्जन, 32 है तो 32 इत्यादि आपका समुच्चय वाचक विशेषण है। अब ये तो आपका हो गया ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण को आपने देखा कि लगभग में 6 भागों में बांटा गया है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिसमें निश्चित संख्याओं का बोध हो, जैसे कि वो 6 प्रकार। पहला आपका रहा गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्ण संख्या बोधक और दूसरा अपूर्ण संख्या बाधक उस बोधक। उसके बाद दूसरा आपका है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण, चौथा समुदायवाचक विशेषण, पांचवा प्रत्येकवाचक विशेषण और छठा है आपका समुच्चयवाचक विशेषण। अब आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चित, यानी कि जिसमें संख्याओं का अनिश्चित बोध हो, या अनिश्चित संख्याओं का जहां बोध हो वहां पे अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कि देखते हैं अनिश्चित संख्या, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की पहचान क्या है, संज्ञा, यानी कि व्यक्ति वस्तु या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह आपका क्या है, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या का, अनिश्चित, निश्चित वाले में क्या थी, संख्या निश्चित थी, लेकिन अनिश्चित संख्या का जहां बोध हो वहां पर आपका क्या होता है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कि कुछ लोग, बात कर दिया कुछ लोग, कंफ्यूजन में है कितने लोग हैं भाई, कुछ लोग, कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं, ज्यादा हैं कि कम है बताया नहीं जा सकता। या कहा जाए सब लोग, या कुछ व्यक्ति, सब लोग, सब व्यक्ति, या ढेर सारे पुष्प, या सभी पुष्प इत्यादि आपका जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यानी कि इसमें आपका कोई भी कंफर्म श्योर कहा नहीं जा सकता कि संख्या कितनी है, यानी कि जहां पर संख्या की गणना कर पाना अनिश्चित हो वहां पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। दोस्तों अभी भी आपका लगभग में 3 प्रकार बचा हुआ है, जिसमें कि आपका परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और प्रविशेषण, जिसको कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल सौर्य लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ एक और चीज़ है कि बहुत से मेरे एक सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने उस सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल बटन दबी है, बनी हुई है, उसको दबाए नहीं है। तो इसलिए आप जो सब्सक्राइब बटन के सामने बेल बटन बनी है उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देख पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।